चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदेश भर के बिजली अभियंताओं ने टूल डाउन हड़ताल के तहत आज से राजधानी में महापड़ाव डाल दिया। ग्रेड पे 4810 इंक्रीमेंट और समयबद्ध पदोन्नति की मांग को लेकर सैकड़ों की तादाद में कनिष्ठ अभियंता विद्युत भवन पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य द्वार पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बारे में पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों से खास बातचीत की संवाददाता विकास शर्मा ने। प्रदेश भर के कनिष्ठ अभियंताओं का आज प्रदेशव्यापी आंदोलन जो है वो जयपुर मुख्यालय शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं विद्युत भवन जो है वहाँ पर पूरे राजस्थान के कनिष्ठ अभियंता यहाँ पहुँचे हुए हैं अपनी ग्रेड पे की मांग को लेकर के, सम्मानजनक ग्रेड पे, और साथ में पिछले 10 सालों से जो आंदोलन चल रहा है, जो मांगे चल रही है उसको लेकर के पूरे प्रदेश भर के कनिष्ठ अभियंता यहाँ पहुँचे हुए हैं विद्युत मुख्यालय पर। यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया, जिसका असर सीधा असर जो है फील्ड में बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर पड़ने की आशंका खड़ी हो गई है। ये सभी वो कनिष्ठ अभियंता जो पिछले 11 सालों से आंदोलन की राह पर है और इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी सम्मानजनक उनको ग्रेड पे दी जाए, साथ में उनका टाइम बाउंड प्रमोशन किया जाए। टाइम बाउंड प्रमोशन आते उनको जो भी उनकी डिमांड्स है उन मांगों को पूरा किया जाए। हमारे साथ मौजूद है राहुल जी, उनसे बात करते हैं, पावर इंजीनियर एसोसिएशन के महासचिव है। राहुल जी, एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया है, पूरे राजस्थान के अभियंता यहाँ पहुँच गए हैं, क्या मानते हैं इस तरह का आंदोलन जो है वो खड़ा करने की क्या नौबत आ गई थी? सर, हम इतने टाइम से सरकार से निवेदन कर रहे थे, लास्ट 8 महीने पहले हमारा पावर इंजीनियर एसोसिएशन का अधिवेशन संपन्न हुआ था, तब से हम लगातार सरकार के संपर्क में, विद्युत प्रशासन के, फाइनेंस सेक्रेटरी के, सबके संपर्क में एक एक जगह जाके हमने ज्ञापन प्रेषित करा, अपनी मांग को माना, लेकिन उन्होंने आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया। डिमांड क्या है बेसिकली? डिमांड क्या क्या डिमांड? खाली कोऑर्डिनेशन कमेटी की रिपोर्ट लागू करो, जो रिपोर्ट आपने दी है उसको लागू कर दो। डिमांड्स क्या क्या? हमारी डिमांड है कि जैसे पूर्व में बैचों में 10 इंक्रीमेंट मिलता था, वो हमसे खींच लिया, 2008 तक तो दिया, 2010 बैच वालों के बाद खींच दिया, तो हमें तो अपने 10 इंक्रीमेंट चाहिए। और पहले JEN के बिजली विभाग में प्रमोशन 25-25 साल नहीं होते, और दूसरे डिपार्टमेंटों में JEN से AEN डिग्री होल्डर 4-4 साल में बन जाता है, हमारे यहाँ 20-25 साल नहीं बनता। इसलिए पहली प्रमोशनल स्केल हमें मिलनी चाहिए, वरना हम अपनी पूरी जिंदगी में पहली प्रमोशनल स्केल ही नहीं ले पाएंगे। ये वाली बात हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को ही पता है, ये वो भी इस मांग को जायज मानते हैं। बिल्कुल, कनिष्ठ अभियंता सारे हड़ताल पे आ गए, टूल डाउन हड़ताल कर दिया है, बिजली आपूर्ति की व्यवस्था का जिम्मा किसके पास रहेगा? सर, अब हम तो यहाँ आ चुके, तो प्रशासन की जिम्मेदारी कि वो हमारी मांगों को जल्द से जल्द मांग ले, तो हम लोगों को भी परेशानी नहीं रहो, जो जनता परेशान हो रही है राजस्थान की, हम उनको किसी भी रूप में परेशान नहीं करना चाहते, तो प्रशासन जल्द से जल्द हमारी मीटिंग बुलाए और हमारी मांगों को आज के आज ही पूरी करे, जिससे हम जनता परेशान नहीं हो। क्या लगता है आप लोगों को, जो आपकी डिमांड है 11 साल से आपकी डिमांड जो है वो सुनवाई नहीं हो रही है, क्या तकनीकी हेल्पर के बराबर आपके जो वेज बोर्ड होगा? ये जो हमारे साथ वेतन विसंगति का मामला चल रहा है, इस चीज का सलूशन 100% निकलना चाहिए। जब तक ये नहीं निकलता है, तब तक ये धरना यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि ये अत्याचार बहुत ज्यादा है। ये ग्रेड पे 40,000-50,000 कोई सैलरी नहीं होती है, जो इतना ज्यादा पूरे एक बड़े एरिया को संभाल के रखना चाहिए ना, उसके लिए सैलरी बहुत कम है। आपका अनिश्चित धरना, पूरे प्रदेश की जनता परेशान हो रही है उसके लिए? प्रदेश की जनता इतनी आसानी से हम परेशान नहीं होने देते उन्हें, हम ये प्रयास पिछले 11 सालों से कर रहे हैं, पिछले 5-6 दिनों से इतनी मीटिंगें चल रही हैं, हमने 15 दिन पहले से इस चीज़ का आह्वान कर दिया था, हमने स्टेप बाय स्टेप सारे काम किए थे, पर जब प्रशासन नहीं जाग रहा है तो एडन जाके हमने ये स्टेप उठाया है। तो देखिए, बिल्कुल जो कनिष्ठ अभियंताओं ने साफ कर दिया है कि जो उनका आंदोलन है अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा, और अगर यदि उनकी मांगों को माना जाता है तो आंदोलन उसको बढ़ाया जाएगा। अभी इस वक्त प्रदेश भर के आंदोलन के लिए जो कनिष्ठ अभियंता जयपुर आना शुरू हो गए हैं, तकरीबन 2,000 के आसपास लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और भी लोग जिले से आने लगे। अब ऐसे उम्मीद यही कि इस गतिरोध को तोड़ने के लिए प्रशासन को कदम उठाएगा, ताकि जो ऐसी परिस्थिति बन रही है कि जो फील्ड में जिम्मेदारी निभाने वाले कनिष्ठ अभियंता है, विद्युत मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं या महापड़ाव डाल रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद यही है कि ये लोग जो है उनका निष्कर्ष निकाला जाएगा। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़।